मैम ये बैग रह गया आपका, ये आप उस लड़की अमल को अपने घर ले आए। अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। तुम एक काम करो, तुम उसकी माँ को सब कुछ बता दो। तुम्हें पता है शादी में इतने कम दिन रह गए और अभी हजारों काम बाकी हैं। बरी के बहुत सारे जोड़े बनाने और तो और मेरी बहू का कमरा सेट करना है, और इन सारे कामों में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही? मैं सुन रही हूँ आपको। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो या फिर नाखुश? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लो मेरा बेटा आ गया। ये मेरा बेटा है मिकाल, और मिकाल ये अमल है। हाय। तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान हो रही थी सारे कामों के लिए कि कैसे हैंडल करूंगी, इसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि तुम्हें बुला लूं अपनी हेल्प के लिए। मिकाल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम ऐसा करो कि किसी सर्वेंट से कहो कि अमल का रूम दिखा दे उसे। हेलो जी मिसेज अहमद। मैंने हाय कहा था। मुझे तुम्हारे किसी हाय का जवाब नहीं देना। ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने बुलाया, लेकिन यहाँ कुछ मत कहना, कमरे में चल के बात करते हैं। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कहो ना, कमरे में चलो, जरूरी बात करनी तुमसे। चलो क्यों खड़ी, अंदर आ जाओ। पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन पहले अंदर आ जाओ, दरवाजे पे खड़े होकर बात मत करो। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में परेशानियां तुम्हारी वजह से आई हैं। तुम मुझे रिलैक्स होने का मशवरा नहीं दे सकते? मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें मजीद परेशानियों से बचा सकूं। मैं नहीं मानती, तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लाए हो। यकीनन कोई प्लानिंग कर रखी है तुमने। ऐसा नहीं है। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ तो मत करो एतबार, लेकिन यहाँ सुकून से रहो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी बात कल बताता हूँ। सच सच बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम यहाँ आने से इतनी परेशान हो तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मना कर देती मेरी मॉम को। और सुनो, मैं यहां तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए लाया हूं। बाकी तफसील तुम्हें कल बताऊंगा। कहीं कोई गलती थोड़ी करती हूँ। चाहता क्या है, क्यों उसने मुझे यहाँ बुलाया है दोबारा? और कह रहा था कि उसने मुझे यहाँ मेरे फायदे के लिए बुलाया है, क्या मतलब था इस बात का? इसने अगर मॉम को कुछ बता दिया तो, नहीं बताना होता तो वो उन्हें बता चुकी होती।
मैं दोबारा इस पर इतबार करने की गलती कभी नहीं कर सकती। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ? तो खुद बहुत परेशान हो जब से मुझे पता चला कि मिकाल मैम कुलसुम का बेटा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम उन्हें ये बात बताओगी कैसे, और अगर बता भी दी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। काश तुम्हारे पास अपनी और मिकाल के निकाह का कोई सबूत होता। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ? कहाँ? मिकाल के घर। क्या? मगर क्यों? तुम वहां क्या कर रही हो? मेरी मजबूरी मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे उसी के घर में ले आई है फरनास। उस शख्स के घर में ले आई है जिससे शायद मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन हुआ क्या अमल, मुझे पूरी बात बताओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है तुम्हारी माँ पर। किस कदर खुदगर्ज और लालची औरत है वो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है अमन? उन्हें कोसने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तो मुझे मेरी मैम के घर भेजा है। उन्हें क्या पता कि ये उसी इंसान का घर है जिससे बाबा ने मेरी शादी करवाई थी। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं? रोका था मैंने, बहुत बार मना भी किया था, लेकिन किस्मत और हालात की बेरहमी मुझे इसी तरह यहां लाना चाहती थी। पर मैं हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कर सकी। कहीं निकालने तो नहीं किया ये सब कुछ? उसी ने किया ये सब कुछ। हो सकता है अमन कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा। बिला वजह और बेमतलब के ख्वाब देखना मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मेरी मुलाकात कब हो सकती है? पता नहीं। तो मुझे एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगी। मैं अब अपने घर में नहीं रहती फरनास, जब मुझे तुमसे मिलना होगा मैं खुद आऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा ठीक। फोन किया उसने? किसने? आपकी लाडली की बात कर रही हूँ, और किसने? हाँ आया था फोन। खूब मजे कर रही होगी पता है वहाँ पे? उसकी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा था। अम्मी आपको अमल बाजी को तो नहीं भेजना चाहिए था, देख रही थी ना अपनी मैडम के साथ कितना उदास जा रही थी। उठो और कमरे में जाओ अपने। अरे बड़ी वैसे कह तो ये ठीक रही है, अमल के बार बार इनकार करने पर मुझे भी तशवीश हो रही है। अम्मी आप नहीं तशवीश वशवीश छोड़ें, पता है वो वहां कितने बड़े आलीशान घर में ना अय्याशी कर रही होगी, और एक आप है हल्का हो के पागल हो रही है। मैडम उसे अपने घर बहू बनाकर नहीं लेके गई है, उनके बेटे की शादी है, उसे काम के लिए लेके गई है। तो अगर क्वार्टर में भी रखा होगा ना तो उनका क्वार्टर इस घर से तो लाख दर्जे बेहतर होगा, और वैसे भी एक महीने की एडवांस तनख्वाह देके गई है, फिर किस बात के रोने आपके? बात सुन, तू बड़ी उसकी तरफदारी कर रही है, कहीं मेरे पीठ पीछे उसने तो ये पैसे तो नहीं खिला दिए? अरे मुझे तो लग रहा है कि नुशाबा को वहाँ जाने का काफी देरी कर रहा है, ऐसा करें कि अमल बाजी को इधर बुला लें और नुशाबा को वहाँ छोड़ दें। फिर बोली बीच में ना, उठो दबा यहाँ से, कमरे में जाओ। सुन, उठो ना, हर वक्त फजूल बोलती रहती है पागल, जल्दी दफा यहाँ से। मैं इसकी सगी बहन हूँ, ये हर वक्त ना उस सौतेली का साइड लेती रहती, समझाया करे इसको, सारे पागल है इस घर में। तुम जो सयानी हो करती रहती है।
रात को नींद आ गई थी तुम्हें ठीक से? जी। तुम बोलती बहुत कम हो और नाश्ता भी कितने तकल्लुफ से कर रही हो, आराम से खाओ। जी मैं ठीक से खा रही हूँ। तुम बता रही थी कि तुम्हारी छोटी बहन का कोई रिश्ता आया है। जी मैम आए थे रिश्ते के लिए। अच्छा, वैसे होता तो ये ना कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है उसके बाद छोटी बहन की, यूजली तो ऐसे ही होता है ना? होता है मैम, लेकिन कोई खास रीजन नहीं है इस बात का। क्या किसी को पसंद करती हो तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ। तुम कहाँ चली? मैम वो नहीं, बैठो ना, मुझे बहुत से काम है, मुझे तुमसे बताती हूँ, बैठो। अच्छा देखो, आज मासी साहब जो हैं कारखाने से सारे ड्रेसेस लेकर आएंगे, उन सबको अच्छी तरह से चेक कर लेना, उनको पैक कर देना, ठीक है? अब निकाल, ये बताओ कि तुमने अपना ड्रेस लॉक करवा दिया ना? हाँ वो सब कर लिया। गुड। हाँ मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे रूम के लिए जरा सेटिंग चेंज कर दी जाए, स्पेशली मुझे पर्दों की तुम्हारी कलर स्कीम है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो प्लीज़ तुम अमल को बता देना और ये सारी सेटिंग चेंज कर देगी पर्दे वगैरह से। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को क्या पुराने कमरे में लेकर आओगे? ऑफ कोर्स चेंज करेंगे सब। वो मेरा कमरा है और मैं किसी की खातिर अपने कमरे को चेंज नहीं करूंगा। किसी की खातिर नहीं मेरी जान, वो एनी है, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी एनी के साथ तो वो तुम्हारी बीवी होगी और वो कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा बल्कि तुम दोनों का होगा। बस कह दिया मैंने। अमल तुम प्लीज हेल्प कर देना इसकी। हाँ अमल, देख रहे हो तुम आजकल के लड़कों को, ये अपनी शादी को ना बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते। अरे भाई सब चीजें चेंज करो और स्पेशली वो जो पुरानी चीजें ना उन्हें उठा के कमरे से बाहर फेंक दो। और प्लीज अमल तुम इसकी हेल्प कर देना। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान, कैसी हैं? कैसी हो एनी, ठीक हो? अच्छा सुनो, आज मैं अपने ज्वेलर को फोन कर दूंगी, तुम्हें अपनी जो कैटलॉग है ना ज्वेलरी की वो व्हाट्सएप कर देगा। आप कितनी अच्छी हैं पप्पू जान, पता है हमारी खूब जमने वाली। अच्छा अच्छा, मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा हाँ एक और बात, अगर तुम्हें टाइम हो तो जरा घर का चक्कर लगा लो। वो पता है पप्पू, वो मम्मा कह रही थी कि अब शादी से पहले मुझे नहीं आना चाहिए। भाभी कौन सी पुराने जमाने वाली बातें कर रही हैं? भाई अभी तुम कौन सा मायो बैठ गई हो, जब बैठ जाओगी ना तब नहीं आना। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। मैं ये चाह रही थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ और आकर अपने कमरे के लिए मिकाल को और अमल को जरा थोड़े से आइडियाज दे दो। भाई तुमने रहना है ना, तुमने चीजें इस्तेमाल करनी है तो तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए ना सारी चीजें। सॉरी पप्पू जान, अमल वही जो आपकी बुटीक पे काम करती है? हाँ हाँ वही लड़की जो बुटीक में काम करती है। दरअसल मैं उसे घर ले आई हूँ घर के काम करने के लिए। घर मतलब अपने घर पे लाई है? ऑफ कोर्स घर ही लेकर आई हूँ। अब घर में काम है तो वो घर के काम देखेगी ना, मैं तो बाहर बहुत बिजी रहती हूँ, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि तुम घर पर आ जाओ और आकर अपने कमरे के लिए जो जो चीजें तुम्हें चाहिए उसे आके ब्रीफ कर दो और वो देख लेगी। ओह ऑलराइट ओके, खुदा हाफिज़। अमल बीबी, मास्टर साहब कपड़े लेकर आ गए। मैं ले आती हूँ अभी। वो तो मैं भी ला सकती थी, मगर इससे पहले मिकाल बाबा के कमरे में तो जाओ, बेगम साहिबा कहकर गई थी, भूल गई।
मैं जानता था तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आओगी। खैर, मुझे कमरे में कुछ चेंज नहीं करवाना, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुमने कहा था ना मैम से मुझे यहां बुलाने के लिए? हाँ। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? अब क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए लाया हूँ। जो दूसरों को नुकसान पहुंचा चुके हो वो फायदे की बात नहीं करते। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, और ठीक है ऐसा बनता है, लेकिन आश्विन मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ। मैं गलती का जाला भी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? गलती का अजाला? तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम कर चुके हो मेरे साथ उसका अजाला कर सकते हो? शायद नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तुम सच सच बताओ मुझे, मैं क्यों बुलाया मुझे यहाँ और क्या नई प्लानिंग करने जा रहे हो तुम? मेरी एक बात गौर से सुन लो, शामिर ने तुम्हारे साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी ना, तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब, वो दोबारा वही कोशिश करने वाला था। इसलिए मैंने मामा से कहा कि तुम्हें यहां ले, क्योंकि शामिर से बचाने का यही एक तरीका है। मैं जानता हूं तुम उसे बात भी नहीं करना चाहती, ठीक है मत करो बात, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए आई हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहां सिर्फ शामिर से प्रोटेक्ट करने के लिए लाया, अपनी गलती का जाला करने के लिए। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर मिकाल, अगर अब तुमने कोई नई प्लानिंग करने की कोशिश की ना, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनो तुम। हाय, तुम यहां? इसको मॉम घर पे लेके आई हैं, शादी के लिए हेल्प आउट करिए मॉम की। राइट, वैसे फूफू जान है किधर? कमरे में। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे और उनसे कुछ काम है। तुम चलो ना, मैं शामी से मिलो, तेरे से वादा है, जाता हूँ। तुम यहाँ क्या खड़ी देख रही हो? जाओ। राइट, वेल, जल्दी आ जाना, यू नो आई डोंट लाइक वेटिंग। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं वाकई लगता है कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा देनी पड़ेगी। क्या करिए ये? मॉम की बुटीक पे काम करती है इसलिए ना, दैट्स इट। नहीं, मैं नहीं मानता। तू किसी खास मकसद से लाया है इसे? मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका। अभी अगर मैं एनी और बुबो को सब कुछ बता दूं कि तू इस लड़की के साथ क्या कर चुका है, तो ये जो तेरी आकड़ है 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऐसा करोगे? जाओ करो, तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी। हम दोनों एक ही कश्ती के समान, अगर मुझे डुबोने की कोशिश करोगे ना, तो साथ में तुम्हें भी लेकर डूबूंगा।
जिल्लत मुझे अकेले का मुकद्दर नहीं बनेगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं। तुम्हें डरना चाहिए बेटा, डरना तो तुझे चाहिए। तू अच्छी तरह से जानता है कि ये लड़की मेरी जिद बन चुकी है। आज कल परसों किसी भी वक्त तेरे से छीन कर ले जाऊं, और अगर तूने ऐनी के साथ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं उसका इस घर से यहां रहने वालों से क्या ताल्लुक है, और ऐनी उसकी कौन है। ये नवीरों की दोस्तियां और रिश्तेदारियां अंदर से कितनी मक्कार और खिलौनी होती है। अमल तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, तुम तो रो रही हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, यकीनन घर याद आ रहा होगा ना तुम्हें, घर वाले याद आ रहे होंगे। हाँ ऐसा ही है। वैसे कोई मजबूरी होगी तुम्हारे साथ जो इस तरह इस घर में काम करने के लिए आई हो। ठीक कह रही हैं, मजबूरी में इंसान वो सारे काम कर लेता है जो वो करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। वैसे अब्बा नहीं है क्या तुम्हारे? बाबा फौत हो चुके हैं। ओ, वैसे इंसान को दूसरे इंसान के दुख भी सुनना चाहिए, इससे कुछ हो ना हो लेकिन अपने दुख जरूर हल्के हो जाते हैं। खैर चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर बुलाऊं। आप चलो मैं आ रही हूं। चलो आ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक है। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो जरा कैसा लगेगा। नाइस। पता है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतने सारे डिजाइन्स हैं। चलो अब तुम आ गई हो तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। कैसा जान, आप इसकी फिक्र मत करें, ये सब मैं कर लूंगी। आप बस मुझे ये बताएं कि आप इस लड़की को घर क्यों ला रही हैं? किस लड़की को? ओ अमन की बात कर रही हो? मेरे घर में इतने काम है कि मुझसे अकेली से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था, तो बस अपनी हेल्प के लिए लेकर आई हूँ। एक मिनट, आपका मतलब है कि वो दिन रात यहीं रहते हैं? जाहिर है बेटा, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? फूफा जानी मुझे थोड़ा अजीब लगा है। एक अजनबी जवान लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर में रह रही है, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी वो इतनी सीधी साधी भी नहीं है, काफी पढ़ी लिखी लगती है। ऐनी तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो गरीब और जरूरतमंद लड़की है, वह शरीफ घराने की बच्ची है। तुम जानती हो कि जरूरत इंसान को घर तो क्या मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर देती है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होना चाहिए। पता नहीं पप्पू जान, मुझे इस लड़की से डर लगता है। मुझे इस लड़की का घर में रुकना, लाइक आई डोंट नो, मुझे उसकी लॉजिक कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि तुम्हारा शकी जहन अभी तक उसी बात पर अटका हुआ। मैंने तुम्हें बताया है कि मामा हमारी शादी को लेकर बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी, शी नीड अ हेल्पिंग हैंड, और हमने इसको हायर कर लिया, और उसके आने से मामा काफी बेहतर फील कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो अब बुटीक नहीं जाती है, सारा दिन सारी रात यही होती है इस घर में। जाती होगी जब कोई काम होगा। कैसे जाती है? आई मीन लाइक यू नो, ड्राइवर के साथ या पप्पू के साथ या फिर? एक मिनट, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तो बताया है कि उसको मामा ने हायर किया है, उनकी हेल्पिंग हैंड है,
और मामा उस डिसाइड करते हैं कि उसे कब कहाँ किस वक्त क्या काम करना है, घर पे बुटीक पे कहाँ जाना है, सब कुछ वो डिसाइड करती हैं, मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या लेकिन तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं इरिटेट नहीं हो रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इतनी देर से सिर्फ उसकी बातें कर रही हो, उनसे ये बातें क्यों नहीं करी कि मैंने शादी की क्या शॉपिंग की है, क्या प्लानिंग है, क्या इरादे हैं, क्या कुछ, ये बातें क्यों नहीं करी मुझसे? ओके काफी ठंडी हो रही है। छोड़ो मेरा हाथ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मतलब है तो पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कोई भी बात बताना जरूरी नहीं समझती। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। एनी मेरी बहन है और मिकाल उससे शादी कर रहा है। अगर तुम दोनों ने मिलकर कोई गेम किया तो वो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे हक में और ना ही मिकाल के हक में। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये बातें सिर्फ गैरतमंद लोगों के मुंह से ही अच्छी लगती हैं। गाली दे रही हो मुझे? नहीं, बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी ही मोहब्बत है, इतनी फिक्र है उसकी, तो मिकाल जैसे इंसान से शादी क्यों करवा रहे हो उसकी? मुझसे बेहतर तो शायद तुम उसे जानते हो। ठीक कहा ना मैंने? ओह, या शायद तुम लोगों के यहाँ इज्जत और खैरत के मायने ही अलग अलग हैं। फिर तो तुम्हें देखकर सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, अपने घर जा रही हूँ। सुने, मैडम को बताया आपने? मेरा मतलब है बेगम साहिबा से इजाजत ली है आपने? नहीं, इजाजत तो नहीं ली। देखो आप जरूर जाओ, अपनी अम्मी के घर किसने रोका है? मगर आप बेगम साहिबा की बुटीक पर काम करती हैं, उनसे तो इजाजत लेना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रही, कहीं वो ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए और फिर आपको जॉब से निकाल देंगी। मेरी बात मानो तो बेगम साहिबा से इजाजत ले लो, वो इजाजत दे दें तो बेशक चली जाना। लेकिन क्यों अमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यही रहना होगा हमारे घर में। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मैम वो अमल, इस तरह से खामोश खड़े होकर तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो अगर तुमने यही सब कुछ किया ना तो मजबूरन मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा, और वो पैसे जो मैंने तुम्हारी अम्मी को दिए थे ना वो भी लौटाने होंगे तुम्हें। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, लेकिन लेकिन क्या? सुबह तक सब कुछ ठीक था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से क्या ऐसी बात हो गई कि तुमने कहा कि यहाँ नहीं रहना है? देखो प्लीज मुझे परेशान मत करो, बताओ मुझे क्या बात है, बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी जी मैम, वो किसी के घर इस तरह रहने की आदत नहीं है मुझे,
तो अजीब लग रहा है यहाँ पे। वो अम्मी की, बहन भाइयों की, सबकी बहुत याद आ रही है, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। ओहो, तो यूं कहो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं ड्राइवर से कहूंगी वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाएगा, एक दो घंटे के लिए अपने घर वालों से मिल लेना, फिर वापस आ जाना। बस इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अरे बाबा, निकाल बाबा एनवीपी को छोड़ने तो जा ही रहे, तो ये भी इनके साथ ही चली जाएंगी। हाँ हाँ, वैसे भी ड्राइवर के साथ छुड़वाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा था। अब निकाल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तुम्हें साथ ले जाएगा। और सुनो, वो जो सुबह में दो दुपट्टे दिए थे, अगर कंप्लीट हो गए तो मुझे देखकर जाना। जी, वो कंप्लीट हो चुके हैं। गुड। सकीना, निकाल से कहो कि मैं उसे बुला रही हूँ। जी अच्छा। तो तुमने अपनी शेरवानी अदनान से बनवाई है? पता है, मैंने भी इतने डिजाइनर के चक्कर काटे हैं, बता नहीं सकती, ख्वार हो गई। फाइनली एक जोड़ा मिला, वो पता है कितने का? 6 लाख। तो मैंने सोचा है क्या फर्क पड़ता है, ले लो। मैंने भी कौन सी शादी बार बार करनी है भाई। मतलब तुमने पूरा फैसला कर लिया कि मामू का दिवालिया निकाल करो? ऐसी बात नहीं है, पापा ने खुद मुझसे कहा था कि जितना भी खर्चा हो, करोड़ों भी हो, वो भर दे। करोड़ों तुम कुछ ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करी। ठीक है, मत मानो, शादी पे खुद देख लेना। तुम्हें नहीं लगता हमें शादी पे इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए? तुम अपनी खैर मनाओ, शादी के बाद अपने सारे शौक तुम्हारे जेब से पूरे कर लो। इनफैक्ट बाय द वे, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ हनीमून के लिए, तो टिकट बुकिंग वीजा वगैरह कर लेना। और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो मुझे भी अपनी बात नहीं मानी आती है। याद नहीं मैं कितनी मुश्किल से शादी के लिए मानी थी, अगर भूल गए हो तो याद दिला दो। क्या क्या याद दिला सकते हो? यही कि सिर्फ तुम्हारे वो कहने पे मानी थी मैं शादी पे। मुझे अभी तक याद है जब तुम एक घुटने पे उतर गई प्रपोज, तुम्हें पता है अमल, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना क्यूट लग रहा था वो न्यूज प्रपोजिंग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शुरू से ही मुझे पसंद करता है, स्कूल कॉलेज एवरीथिंग, शुरू से मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। क्यों मैं कहा? अभी तो तुम्हारा घर आ गया इसलिए बाकी बातें बाद में करेंगे। नहीं, वो हम अमल को पहले छोड़ेंगे फिर मैं छोड़ूंगी। ये बातें सिर्फ गैरतमंद लोगों के मुंह से ही अच्छी लगती हैं। अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी ही मोहब्बत है, इतनी फिकर है उसकी, तो मिकाल जैसे इंसान से शादी क्यों करवा रहे हो उसकी? ओ, या शायद तुम लोगों के यहाँ इज्जत और गैरत की मायने ही अलग अलग हैं। मिकाल अब क्या गेम खेल रहा है? उसने अमल को अपने घर क्यों रखा हुआ है? कहीं वो हम सबको धोखा तो नहीं दे रहा? मुझे उसके इरादों का पता चलाना ही होगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ मेरी बहन से शादी करे और दूसरी तरफ अमल पर भी अपना हक जताना शुरू कर दे। अमल को ऐनी के रास्ते से हटाना ही होगा, और अगर वो नहीं मानी तो उन दोनों को ही जान से मार डालूंगा। काल, ऐसे इलाकों में लोग कैसे रहते हैं? मुझे तो कसम से देख के अजीब लग रहा है। क्या क्या हुआ? तो उसके सामने इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी? अजीब बात है,
कौन सी चीज बातें की? सारी बातें, अपने शादी के जोड़े की प्राइस बताना, फिर ये कहना कि हनीमून के लिए तुम स्विट्जरलैंड जाना चाहती हो, और ये शो ऑफ करना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं मरा जा रहा हूँ शादी के लिए। तुम ये बातें उसे क्यों सुना रही थी? अच्छा, मैं ये बातें उसे सुना रही थी। आई एम सीरियस एनी। नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर बता रही हूँ। मैं सिर्फ उसे नहीं, पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। एक लड़की तुम्हें पूरी दुनिया लगी? हाँ। और बिल्कुल ड्रॉप करते हुए उसके हल्ले पे टॉन्ट क्यों करेगी? तो कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो रहा उसके बारे में? उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा हूँ। एनी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी क्लास एक स्टैंडर्ड है, ये सब बातें तुम्हें जेब नहीं देती। तुम्हें सारे मामले को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए था। लगता है कि तुम आज अच्छी बातें करने के मूड में हो, तो प्लीज कैरी ऑन। अब खुद सोचो, एक बुटीक में काम करने वाली भी आम सी लड़की से तुम इनसिक्योर होगी तो अच्छा नहीं लगता यार। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि तुम काफी अकलमंद हो गए हो। वो कैसे? अगर तुमने मुझसे ये बातें उसके सामने की होती तो मुझे बहुत बुरा लगता। कम ऑन यार, तुम हो। जो बात मुझे तुमसे करनी है वो तुम्हारे सामने करूंगा, उसके किसी और के सामने क्यों करूंगा? क्या मैं दुल्हन हूँ?